से जम्मू के जो हमारे वाइन ट्रेडर्स हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से सड़कों पे हैं, आज हम उनके साथ हमदर्दी का प्रगटावा करने, उनके साथ सॉलिडरिटी शो करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो नई एक्साइज पॉलिसी आपने बनाई है उसको प्लीज़ दोबारा रिव्यू कीजिए, क्योंकि जम्मू में हमारे जो वाइन ट्रेडर पिछले कई सालों से चल रहे हैं उनमें कई वीडियोज़ हैं, एक्सर्विसमैन हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, और यहाँ तक हमने ये भी देखा कि कई उसमें टोटली बीमार हैं और बेड रिडन हैं। आज उनके पास ऐसा टाइम नहीं, समय नहीं कि वो दोबारा अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को मीटअप करने के लिए कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें। और उसके अलावा मैं बीजेपी से ये कहना चाहूँगा, बीजेपी वालों से, जब आप सत्ता में आए थे 2016 में पीडीपी के साथ, आपने लोगों से ये वायदा किया था कि हम जम्मू के लिए नई जॉब्स लाएंगे, नए नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स यहाँ एस्टेब्लिश करेंगे, लोगों को तसल्ली हुई थी, तो लोगों ने अनमास वोट किया और आपके 25 लोग जिता के यहाँ भेजे। तो मैं समझता हूँ आपने जॉब क्या देनी थी, आज बीएसएफ वाले सड़कों पे हैं, आज बैंकों के लोग निकाल के अपने बाहर फेंके, आज पुलिस के लिए स्क्वैश होगी, आज मेडिकल में असिस्टेंट वगैरह आपने निकाल के बाहर फेंके, जॉब क्या देनी थी आप? तो जम्मू वालों के हितैषी क्या बनना था, आपने जम्मू वालों का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो जम्मू के लोगों के काम एस्टेब्लिश थे उनको भी आपने खत्म, आप उनको खत्म करने जा रहे हो। आज से पहले आपने माइनिंग की एक पॉलिसी बनाई, आपने कहा जी माइनिंग पॉलिसी बना रहे हैं, वो पॉलिसी आज की डेट में आपकी टोटल फेलियर है, बिल्कुल माफिया ने कंट्रोल कर लिया है। माफिया आपके बस में नहीं, कुछ एक ब्यूरोक्रेट जो रियासत में बैठे हैं वो अपने चहेतों को बाहर से लाना चाहते हैं, उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। जम्मू के लोगों के हितों की अनदेखी करके अब बाहर से लोगों को यहाँ लाओगे, जम्मू वाले लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे टाइम आने पे। आज माइनिंग का जो रेट, जो ट्राली 1000 की थी 2 साल पहले, आज वो 3000, 4000, 5000 में मिल रही है। लाखों लोग जो उस बिजनेस में जुड़े हुए थे, जो ट्राली वाले थे, ट्रिपल वाले थे और ठेकेदार थे, सब सड़कों पर आ गए हैं, सबका काम धंधा आपने बंद कर दिया। और आप ये वाइन ट्रेडर्स वालों को आप इस काम से बाहर फेंके, मैं समझता हूँ इनके साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी कर रहे हो। कुछ पूंजीपतियों के हाथ में अब सारे जम्मू कश्मीर का, पूरे हिंदुस्तान का बिजनेस कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हो। पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन रहा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने सफर किया, बिजनेस खत्म हो गए, आज लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं रही, लेकिन क्या हुआ कि हिंदुस्तान के कुछ पूंजीपतियों की प्रॉपर्टी पूरी दुनिया के वो अमीरों की लिस्ट में आ गए? ऐसा क्यों पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी चला रहे हो? जब सत्ता में आते हो कुछ और बातें करते हो, लोगों को गुमराह करते हो, और आज जब लोग आपसे कुछ सवाल ना पूछे, लोग जॉब की बात ना करें, आप ऐसे ऐसे आर्डर निकालते हो कि स्कूलों के ऊपर झंडे लहरा दिए जाएं, बिल्डिंग के ऊपर ये लहरा दिया जाए, झंडा हमारी आन बान और शान है, झंडे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों का ध्यान भड़काने के लिए आप ऐसी बातें करते हो, हिंदू मुस्लिम करते हो, लोगों का ध्यान भड़काने के लिए ये चीज़ें करते हो। मैं सरकार से कहता हूँ बाज आ जाइए, ये जम्मू के ट्रेडर के साथ बेइंसाफी मत कीजिए, और खास करके जो हमारे पिछले 40-50 सालों से वाइन ट्रेडर्स हैं इनको यहाँ से अपरूट मत कीजिए बाहर के कुछ आकाओं को खुश करने के लिए। और आज बीजेपी वाले जब बात चलती है कहते हैं जी हमें नहीं पता कौन कर रहा है, भाई सरकार आपकी है, सेंटर में जितेंद्र सिंह जी आपके मंत्री हैं, तो आपको ये कौन करता है? यहाँ इंडायरेक्ट सरकार उनकी है, जो LG साहब है ये बीजेपी के हैं, तो यहाँ पर ये कौन कर रहा है? क्या यहाँ राहुल गांधी का इसमें हाथ है? क्या इसमें किसी बाहर की एजेंसी का हाथ है? ये सब आप कर रहे हो, आपकी मिली भगत है, आपकी कन्वाइंस कहीं ना कहीं बाहर के माफिया से होगी, आप उनको खुश करना चाहते हो, जम्मू के लोगों को निराश करके आप उनको खुश करोगे, सत्ता से बाहर फेंकेंगे ये लोग। मैं जहां LG साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि LG साहब इसको दोबारा रिव्यू कीजिए अपनी एक्साइज पॉलिसी को। आपकी जो कमेटी बनाई थी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, उसमें डिप्टी कमिश्नर, 4 डिप्टी कमिश्नर थे और एक्साइज कमिश्नर भी थे, उन्होंने भी कहा था कि ये जो लोग इसके साथ जुड़े हैं ये लोगों के लिए बहुत बड़ी घातक सिद्ध होगी, इन लोगों का बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन किसी ने उस पॉलिसी, उस जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, किसी ने नहीं सुनी। मैं विद फोल्डेड हैंड मनोज सिन्हा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जम्मू के लोकल्स को इस तरीके से बिजनेस से खत्म मत कीजिए, जम्मू का यूथ आगे बेरोजगार है और लोग उस कतार में जमा होते जाते हैं। अगर आम में दम है तो यूपी में आपने उनके राइट्स को प्रोटेक्ट क्यों किया गया है? यूपी में कोई भी बाहर का बिजनेसमैन यूपी में जाके बिजनेस नहीं कर सकता, कोई गाड़ी वाला लेके वहाँ गाड़ी नहीं चला सकता, उनके राइट्स को आप प्रोटेक्ट करते हो। और मैं जम्मू वालों को भी कहता हूँ, वहाँ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के लोग बात करते हैं, वहाँ NC वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं, बीजेपी वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं, तभी
अमित शाह जी दूसरे दिन उनको दिल्ली बुला के उनसे बात करके उनसे उनके साथ समझौता करते हैं। आज कोई भी बंदा बाहर जाके बिजनेस नहीं कर सकता। आज जम्मू में छोटे से छोटे काम के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट टेंडर हमारे कहाँ से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, राजस्थान से टेंडर जम्मू में लोग डालने के लिए आ रहे हैं। जम्मू वाले के लोगों के साथ इस कदर बेइंसाफी मत कीजिए, बाहर आ जाइए, वरना आने वाले दिनों में इलेक्शन में लोग आपको सबक सिखा देंगे, फिर आप उस वक्त गुजर जाए तो पछताने का कोई फायदा नहीं। मैं विद ड्यू रिगार्ड फिर एक बार दरख्वास्त करता हूँ, इस एक्साइज पासी को रिव्यू कीजिए।